हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आ गए टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर। जैसा कि आपको पता है, टिकटॉक पे प्रत्येक दिन ब्रेकिंग न्यूज़ वाले कोई ना कोई वीडियो अपलोड होता रहता है। तो आज हम फिर से ब्रेकिंग न्यूज़ वाले वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर आ चुका हूँ। तो आज मैं आपको इस तरह के वीडियो का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ, इस तरह के वीडियो आप कैसे बना सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या हुआ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो का लिंक दे रखे हैं, वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता रहता है। काइनवास्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, 16:9 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है, बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। इस बैकग्राउंड को 30 सेकेंड के आसपास आपको कर देना है। स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। मैंने एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे रखे है, उस वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद उसे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद लास्ट पॉइंट पे आना है। इसके बाद बैकग्राउंड लेयर पे क्लिक करना है, कैंचे के निशान पे क्लिक करना है, ट्रिम टू राइट कर देना है। वीडियो क्लियर पे क्लिक करना है, इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे आपको फुल साइज कर देना है। तो यहाँ पर आप वीडियो को आपको एक से दो बार प्ले कर देख लेना है। स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। आपको यहाँ पे एक फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेना है। इस वीडियो को बनाने के लिए आपको 4 से 5 फ़ोटो आपको चाहिए, तो सिंपल मैं एक फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद फ़ोटो को कुछ इस तरह से जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। इसके बाद इस तरह से आपको एडजस्ट करना है और इस बॉक्स के बराबर आपको इस फ़ोटो को इस तरह से एडजस्ट आपको कर देना है। इसके बाद 3 डॉट पे क्लिक करना है, सेंड टू बैक कर देना है आपको। इसके बाद ग्रीन स्क्रीन वाले वीडियो कलर पे क्लिक करना है, क्रोमा की को इनेबल कर देना है, कलर की पर आना है, यहाँ पे आपको ग्रीन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद डन कर देना है। तो वीडियो हमारा कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। तो इस फोटो को थोड़ा सा और आपको जूम कर देना है, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारा फोटो जो है बिल्कुल फ्रेम के सेट हो चुका है। इसके बाद वीडियो को आगे तरफ लेकर आना है और यहाँ पे आपको 5.8 के आसपास आ जाना है। वीडियो क्लियर पे क्लिक करना है, कैचिंग निशान पे क्लिक करना है, ट्रिम टू राइट कर देना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। फिर से हमें फ़ोटो पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक फुल साइज़ का फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है और वीडियो को आगे की तरफ लेकर आना है। वीडियो पे क्लिक करना है और इसे आपको इस तरह से फुल साइज कर देना है और आपको इसको सही तरह से एडजस्ट आपको कर देना है। इसके बाद इसे डन कर देना है। वीडियो पे क्लिक करना है, इसके बाद फोटो क्लियर पे क्लिक करना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है, सेंड टू बैक कर देना है। तो ये जो इमेज आपको कुछ इस तरह से दिखने लगेंगे। इसके बाद इस इमेज को आपको 5.9 तक ही रहने देना है। वीडियो क्लियर पे क्लिक करना है, कैचिंग निशान पे क्लिक करना है, ट्रिम टू राइट कर देना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। फिर से आपको यहाँ पे थर्ड फोटो को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इस फोटो को कुछ इस तरह से जूम कर लेना है और वीडियो को आगे की तरफ लेकर आना है और इस इमेज को आपको सही से आपको एडजस्ट आपको कुछ इस तरह से कर देना है। जो ब्लैक ब्लैक बॉक्स दिख रहा है, इसी बॉक्स के आपको अंदर में होना चाहिए। 3 डॉट पे क्लिक करना है, सेंड टू बैक कर देना है। तो इमेज आपको कुछ इस तरह से वीडियो आपको सेट हो चुका है। तो यहाँ पे आपको 4 से 5 फ़ोटो आपको सेट कर लेना है। चलो मैं फटाफट फ़ोटो को सेट कर लेता हूँ। इसके बाद 3 डॉट पर क्लिक करना है, सेंड टू बैक कर देना है। तो हमारा वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। तो वीडियो मैं आपको एक बार प्ले कर दिखा देता हूं, लेकिन ये प्ले मैं नहीं कर सकता क्योंकि कॉपीराइट की प्रॉब्लम आ जाता है। इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। सिंपल करना क्या, सेटिंग पे क्लिक करना है, ऑडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है, शेयर पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे HD 720p 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। और हमारा वीडियो यहाँ पर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, उसी वीडियो का साउंड पे आपको इस वीडियो को अपलोड कर देना है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल शैलेंद्र चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। यदि आपको किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं।